हिसार के हांसी शहर में सोमवार को एक लव मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़े की पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने युवती के दो भाई सचिन और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि तेजवीर गांव बड़ाला का रहने वाला था और युवती मीना गांव सुल्तानपुर की रहने वाली थी। दो युवकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनसे चार हथियार भी बरामद हुए हैं। कि आप जैसे को पता है आप सभी को कि कल हांसी में डबल मर्डर हुआ था। कल सुबह 9:30 बजे हुकुमचंद पार्क के अंदर एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जिसके बाद में जब तफ्तीश की गई तो उसमें बात ये सामने आई थी कि ये युवक और युवती जो है, युवक बड़ाला गाँव का रहने वाला था तेजवीर, और जो युवती थी मीना वो यहाँ की अपने सुल्तानपुर की रहने वाली थी। और जो दोनों ये थे आपस में रिश्तेदारी में ही थे कि जो तेजवीर के मामा के साले की लड़की थी, और इन दोनों का पहले से लव अफेयर चला था। उसके बाद इन दोनों ने लव मैरिज की थी। 22 अप्रैल को इन दोनों ने गाजियाबाद में शादी की थी, और उसके बाद में इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में। तो उसके बाद में इनको सेफ हाउस में भेजा गया था 1 मई को। 3 दिन तक ये सेफ हाउस में रहे थे। उसके बाद 4 मई को इन्होंने खुद ने कोर्ट में ही बयान दे दिए थे और अपनी पिटीशन जो प्रोटेक्शन की थी वो विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद में ये अपने गाँव में बड़ाला में ही रह रहा था लड़का अपनी वाइफ के साथ में। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले थे और जो लड़के के मामा जो थे, वो भी लड़की के जो रिश्तेदार थे, वो भी इससे खुश नहीं थे, इनकी शादी के विरुद्ध थे। तो इसलिए इनके बीच बीच में पंचायती भी हुई थी काफ़ी बार, और इस बात को परिवार ने समझाने का या इस बात को सुलह करने का प्रयास भी किया। उसके बाद में कल ये वारदात हुई। तो उसके बाद में हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें हमने इसमें जो दो आरोपी हैं जिन्होंने की गोली मार के इनकी हत्या की थी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दो आरोपी जो हैं वो एक तो सचिन है जो युवती का छोटा भाई है, जो कि सचिन जो है ये 21 साल का है और ये इसकी एजुकेशन इसने 12वीं पढ़ाई की है। वर्तमान में अभी हार्ट्रॉन से कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जो दूसरा एक्यूज है वो राहुल है, जो कि इसके सचिन के ही मामा का लड़का है, जो कि दरियावाला जींद में रहने वाला है। ये 21 साल का है, इसने भी 12वीं तक एजुकेशन की है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से घर से फरार चल रहा है और ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का लड़का है। इसका पहले एक आर्म्स एक्ट का पर्चा भी है जिसमें कि ये बेल पर है, और इससे पहले एक अभी मिसिंग में करनाल में पिछले दिनों एक हवाई फायर की घटना हुई थी जिसमें कि ये राहुल जो है वांटेड चल रहा है। उसमें अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ आरोपी इसमें बकाया चल रहे हैं, उनमें से एक ये राहुल भी है। और जो असला जो इसमें वेपन जो हथियार यूज़ हुए थे वो राहुल ने ही इसको सचिन को प्रोवाइड कराए थे। दोनों दो असले इसमें वेपन यूज़ हुए थे। और अभी जो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है उसमें इनसे 4 वेपन रिकवर हुए हैं, जो कि 2 वेपन तो वही हैं जो कि वारदात में यूज़ हुए थे। उसके अलावा 2 वेपन और हैं जो कि अभी उसके बारे में बाकी पूछताछ की जाएगी उनसे। अभी तो जहां तक हमें अंदेशा है कि वो वेपन हो सकता है मिसिंग की जो घटना थी उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। एसपी ने बताया मृतक मीना और तेजवीर ने प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से लड़की मीना का परिवार नाराज था। लड़की के भाई ने अपनी बहन को पार्क में मिलने बुलाया था। पार्क में मीना के साथ तेजवीर भी आया था। वहीं सचिन के साथ उसके मामा का लड़का राहुल भी पार्क में आया था। दोनों ने प्लान के तहत मीना और तेजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पार्क से फरार हो गए और अभी फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद में इनको कोर्ट में पेश करके कल आगे रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ इनसे की जाएगी कि इसमें परिवार के अगर और कोई सदस्य कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, वो पूछताछ के बाद में ही स्पष्ट होगा। नहीं, पार्क में इनको जो है सचिन ने बुलाया था, क्योंकि ये जैसे घर से है जो कि बाइक पे चले थे दिल्ली जाने के लिए, घर में इनका प्लान था दिल्ली जाने वाले थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो सचिन ने पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन से बातचीत शुरू की थी, वो इंस्टाग्राम पे उसको कॉल करके उससे बातचीत करता था, और उससे पहले तो उसने यही कहा था फोन पे कि भाई मैं ये समझा आप चाहते हूँ कि मैं आप वापस आ जाओ, आपकी अपनी जो रिश्तेदारी में शादी हुई है ये सही नहीं है, हमारे समाज के खिलाफ है, आप इसको तोड़ दें छोड़ दें वापस घर आ जाएं। और ऐसा ही कह के उसने इनको फोन करके वहाँ पे बुलाया था मिलने के लिए, और पार्क में जब पहले तो उसने बातचीत करने की प्रयास करी, उसने उनसे तब भी यही बात कहने की कोशिश करी कि भाई आप चलो अपने घर चलो घर चलो, लेकिन जब उन्होंने ये कहा नहीं हम तो साथ ही रहेंगे, तो उसके बाद में ये पहले से प्लानिंग करके आए थे, हथियार पहले से लेके आए थे, उनका पहले से ही प्लान तो उनको मारने का ही था, और उन्होंने उसी टाइम मौके पर गोली मार के उनको। हाँ, मैंने जैसे बताया कि दोनों वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं और बाकी 2 वेपन और हैं, टोटल 4 वेपन इनसे रिकवर हुए। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इनकी जींद से दरियावाला गांव से हुई है, जो कि इसके राहुल का गांव है। और जैसे हमें पता चला था कि भी राहुल और सचिन ने वारदात की है और वो फरार चल रहे हैं, उसके बाद में हमने रेड की, तो जब जींद में जब दरियावाला में रेड की तो वहाँ पर फिर हमें पता चला कि वो वहाँ पर छुपे हुए थे, और फिर वहीं से उनको गिरफ्तार किया। 120 में कुछ और भी अंदेशा है लेने का?
देखिए अभी इनको पूछताछ की जाएगी, इनसे हम रिमांड पे लेंगे इनको और उनसे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे, तब कुछ पता चलेगा कि परिवार का कोई और सदस्य शामिल है या नहीं। क्योंकि जैसा आपको पता है FIR में उन्होंने 11 नाम लिखवाए हुए हैं और उसमें इनके और भी परिवार के सदस्यों का नाम है, तो वो सारी चीज़ जो है एक बार पूछताछ पे बाद में ही क्लियर हो पाए। सचिन कहाँ रहने वाला था? सचिन इसका भाई है मीना का, तो ये वहीं सुल्तानपुर का ही रहने वाला है। इनके ऊपर सेक्शन कौन कौन से इम्पोज किए हैं? FIR जो हुई थी हमारी 147, 149, 302, 506, 120 बी और 25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुई थी। देखिए ये पूछताछ के बाद में पता चलेगा, दोनों के पास में वेपन थे और दोनों के पास में दोनों ने ही फायर किए, दोनों वेपन से फायर हुआ है क्योंकि जो उसमें खोल मिले बरामद हुए हैं, और बाकी पोस्टमार्टम में जो वो भी पता चला है कि दोनों ही वेपन की गोलियां दोनों को लगी थी, तो वो किसने किसको मारी वो एग्जैक्टली बाद में पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। ये ऑनर किलिंग कहा जा सकता है इसे? देखिए मैं पर्सनली ऑनर किलिंग को एक सही शब्द नहीं मानता, क्योंकि अगर किलिंग में किस बात का ऑनर और ऑनर के लिए किस बात की किलिंग, लेकिन हाँ ये कहा जाएगा कि ये किलिंग जो है, ये मर्डर जो हुआ है, ये प्रेम प्रसंग जो उनका था और अफेयर होने के बाद में जो उन्होंने शादी की थी घर वालों की मर्जी के खिलाफ, उसी की वजह से उनकी हत्या की गई है। इट इज अ सोशल मेलेडी आल्सो जी। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा ये है कि भाई इस तरीके से आप अगर मान लो कोई प्रेम करके अगर शादी कर रहा है तो उसको समाज की मर्जी के खिलाफ, तो उसको कोई मार देना तो कोई किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता, ये ऐसा मेरा पर्सनल। सर ये पंचायत तो उसमें भी कुछ इस तरह का लड़का लड़की घर आ जाए या व्यवस्था कौन करे? देखिए बातें तो सब तरह की चली थी जो पंचायतें हुई थी पीछे उसमें, लेकिन बात यह है कि वो लड़का लड़की ने उस तरीके की बातें नहीं मानी, तो अभी जो है फाइनल इसको बरगला के यहाँ बुलाया गया है। हाँ सचिन ने उसको अपनी बहन को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था और उसके बाद में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थैंक यू।